बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, शादो आबाद रखे। हमारी दुआ होती है आप सबके लिए जो देश परदेश से मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। वो ऐसे कि आप सबकी दुआओं के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा करके काम जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। पहले जो है मैंने वॉशरूम बनाया है। फातिमा आपका भाई उठ गया है। अरे बहन भाई, आपसे मैं यही बात कर रही थी तो बीच में मोहम्मद सही जो है वो रोने लग गया। पहले मैंने कहा आप सबकी दुआ से वो छोटा सा वॉशरूम हमने बना लिया। आप बहुत दुआ करते थे प्यारे बहन भाई की, आयशा भाजी आपके घर में इस चीज़ की कमी है, तो ये कमी हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आपकी ये कमी जो है वो पूरी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। दूसरा, सब कहते थे बहन भाई कि आपका जो ये फ़र्श है ज़मीन वाला, ये बहुत ख़राब हो चुका है। आपका लेप जो है वो सारा फट गया, आपने इतनी मेहनत करवा के लेप किया था और वो फट गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये रेत बिछाई है, ये मैंने और मेरे बच्चों ने मिल के रेत बिछाई है। बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, कपड़े वगैरह चेंज करके अब मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। अभी भी काम करने वाला बाकी है। इस पर थोड़ी सी हमने धमक और भी मारेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर जो है सुबह फर्श बनेगा इंशाल्लाह ताला। वो तो मेरा काम नहीं है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है, और फर्श मैं नहीं बना पाऊँगी, वो मिस्त्री मज़दूर आएँगे भाई, वो बनाएँगे आकर इंशाल्लाह ताला। कल का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं अम्मी की तरफ भी जाने वाली हूँ, क्योंकि भाभी अभी तक मेरे ही घर में, यूँ समझ लें आपको नज़र नहीं आ रही होंगी लेकिन है यहीं पर। वो ना मेरे भाई के साथ बाज़ार चली गई हैं, कुछ सामान वगैरह उन्होंने लेना था, दवाई लेनी थी, तो वो चली गई। वहाँ से वो दोबारा यहीं आएंगे, एक आध दिन वो मेरे घर में रहेंगे ना। तो देखो एक आध दिन रहते या कल रात तक चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो यहीं है। आज शाम का खाना अम्मी के घर है, भाभी का भी और हमारा भी, इसीलिए हम अम्मी की तरफ जाएंगे, खाना वगैरह वहीं पर हम जाके खाएंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ चलकर भी आपके साथ व्लॉग अभी का शेयर करते हैं। साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए भाई जो भी आते हैं चैनल पर, तो जी मैं देखती हूँ मोहम्मद सही को फातिमा लेके ना बाहर की तरफ गई है, कहाँ गई है मैं देखती हूँ कहाँ है वो लोग। ये देखें प्यारे बहन भाई, ये देखें मोहम्मद सही और बच्चे जो है वो मिट्टी में खेल रहे हैं। मोहम्मद सही क्या कर रहे हो? मोहम्मद सही ये देखो यूं बनाते हैं हम लोग, फिर मोहम्मद सही दो। मैं भी खेलूं आप लोगों के साथ, आ जाओ। है अरे दो मट्टी दो, ये देखो मोहम्मद, और ये देखिए मेरे बेटे ने मट्टी दी है मुझे। हमने यहाँ से मट्टी उठा के ना अंदर डाली है, एक ट्रालिया ये मट्टी की यहाँ पर भी फेंकी है, मट्टी वहाँ पर भी फेंकी है ना, तो बहुत थक गया है। मट्टी थोड़ी सी उठाई है लेकिन बहुत थक गया है। भाई का ख्याल करना, मट्टी मुंह में ना डाले, उसकी आंखों में ना पड़ जाए मट्टी, ख्याल करना। पड़ गई तो आ चस जानी है सारों। प्यारे बहन भाइयों अभी हमारी ईंटें आने वाली हैं। अम्मी तो कब से बुला रही हैं कि आ जाओ घर, तो अभी हमारी ईंटें जो है वो आ रही हैं। मैं कहती हूँ ईंटें डलवा कर फिर अम्मी की तरफ जाऊँ। भाभी शायद आ चुकी होगी और क्या पता ना भी आई हो अभी तक वहाँ पर, क्योंकि वो बाजार थी ना, मैंने आपसे अभी जिक्र किया है। ये देखें पीछे का क्या हशर हो गया है। प्यारे दोस्तों आपको एक और भी अच्छी सी न्यूज़ देती चलूं कि यहाँ पर जो है ना मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, गले में खराश है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों भैंसे रख रहा है मालिक मकान, जिसकी ये ज़मीन है ना जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो यही मालिक मकान यहाँ पर भैंसे रख रहा है। उन्होंने एक आध यहाँ पर कमरा भी डालना है, तो इंशाल्लाह दूध तो फिर हमें खालिस ही मिला करेगा। देखेंगे अगर नसीब में अल्लाह ने लिखा है तो खालिस ही दूध मिला करेगा, तो इंशाल्लाह ताला जब यहाँ भैंसें आ जाएंगी तो एक अलग सा माहौल बन जाएगा। फिर हमें ऐसे लगेगा हम बिल्कुल अकेले नहीं, हमारे साथ भैंसें रह रही हैं इस अकेले से गाँव में ना। छोटा बनाएंगे ताकि हाथ आ, यार यहाँ को कर यूँ सीधा जाने दे। अच्छा। तो तिरछा लाती है फिर दोनों मिल जाते हैं, बस खेलते रहो लेकिन आप लोगों की लड़ाई ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। मोहम्मद सही देखो कितना अच्छा बच्चा है, यार ना हाथ मिलाती है, देख मेरा हाथ, अब ये हाथ मिला रही है। अच्छा हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। पापा भी सीधा ही ले जा। प्यारे बहन भाइयों हमारी जो ट्राली थी ईंटों की वो आ गई है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी अहमद गया हुआ है लेने के लिए, जैसे ट्राली हमारी पहुंचती है ना तो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है।
तो दूसरा प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर मैंने धमक भी मारनी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। मोहम्मद सीतांगर था उसको उठा के बैठ गई मैं। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी जो है ना हमारी जो ज़मीन फूली हुई है वो बैठ जाए, इस वजह से मैं धमक ज़्यादा मार रही हूँ, बच्चे भी मार रहे हैं मिलकर। अच्छा तो प्यारे दोस्तों अब जो है ये देखिए जी सामने से हमारी ना ये ट्राली आ रही है ईंटों की। ये देखिए अहमद भी आ रहा है बाइक पे सामने और ट्राली भी हमारी आ रही है। प्यारे दोस्तों जी हमारी ईंटें आ गई हमारी ईटें जो उतर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह पाक का। हम दोस्तों बहुत फाइनली अब हमारा फर्श बन जाएगा। अहमद बहुत खुश है कि मेरा मोहम्मद सही जो है ना वो फर्श पे रहेगा, मट्टी में नहीं खेलेगा। ये ना घुटने से उठा उठा के जिद्दों की तरह चल रहा। तो प्यारे दोस्तों जी शाम हो गई, आप देख रहे हैं अंधेरा हो गया। अब हम अम्मी की तरफ जाएंगे। अम्मी बार बार कह रही है कि आ जाओ हमारी तरफ, खाना है अम्मी के घर ना, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ खाना वगैरह खाएंगे, गपशप लगाएंगे, फिर रात को वापस घर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए अब वहीं चलकर आपसे मुलाकात करते हैं। आजो बच्चो आजो। प्यारे दोस्तों जी हम अम्मी की तरफ आ गए हैं। मोहम्मद सईद जो है वो मामू के पास है, मामू ने उठा लिया। फातिमा यहाँ बैठ गई है इधर आकर, ये देखिए ये फातिमा हमारी बैठी हुई है। तो प्यारे बहन भाई अम्मी से मिले, अम्मी सलाम करना चाहिए आप सबको। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमारी दुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों भाभी अंदर खाना वगैरह बना रही है और जो भाभी बाहर गई है भाई के साथ दुकान तक, अभी तक वो लौटे नहीं है। तो अम्मी कह रही है जैसे वो आते हैं फिर खाना भी हमारा रेडी हो जाएगा, दस्तर खान लगाएंगे, खाना खाएंगे हम सारे मिलकर। असल में भाभी बैठी हुई अंदर और उनकी सिस्टर वगैरह भी आई है, तो मैं वहाँ लोग नहीं बना सकती, वो वहाँ मसरूफ है। मिल मिला के आ गए जी अम्मी के साथ बैठे हुए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी आकर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का अम्मी को बता रहे कि वहाँ पर ईंटें भी आ गई हैं और इंशाल्लाह सुबह से जो है वो हमारा फर्श जो है रेडी होना शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाएगा घर हमारा, फिर बच्चों को तरजीह दी होगी। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का। अम्मी ने पहले ख्वाब में देख लिया था कि आयशा के सैन में फर्श डल रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब डल रहा है। तो जी अब आपसे इजाजत भी चाहते हैं जी, दुआ में याद रखना, बहुत ज्यादा खुश रहना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे डाल जाए हमें सपोर्ट करें, अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाएगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना बेटा, अल्लाह हाफिज़।